गुड डे टू ऑल ऑफ यू। क्या आपको याद है कि आपने पिछली क्लास में क्या क्या सीखा था? आपने पिछली क्लास में डेटा मेन्यू के ऑप्शन जैसे कि पिवट टेबल इत्यादि के विकल्पों को सीखा था और कुछ फॉर्मूलों को सीखा था जैसे कि पीएमटी, पीवी, ऑफसेट, कॉलम, रो, एड्रेस इत्यादि के फॉर्मूलों को सीखा था। आइए अब इन विकल्पों और फॉर्मूलों का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं एनपीवी फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। इस फॉर्मूला की मदद से आप अपने इन्वेस्टमेंट के फाइनल रिटर्न की वैल्यू को जान सकते हैं जो कि इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड है। क्या आप बता सकते हैं पीवी फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? पीवी फॉर्मूला का उपयोग आप जब करेंगे अगर आप किसी प्रोडक्ट पर एक्चुअल अकाउंट के बाद उस पर मिल रहे डिस्काउंट के अंतर को डिफरेंस वैल्यू भी कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं पिवट टेबल का उपयोग क्यों करते हैं? पिवट टेबल के उपयोग से आप बहुत बड़े डेटा की समरी को दे सकते हैं और डेटा को आप अपने अनुसार काउंट एवरेज सम को एक यूनिट में समराइज कर सकते हैं। फॉर्मली पिवट टेबल का डेटा पिवट टेबल के नाम से भी जाना जाता है। यह अलाउ करता है कि आपके डेटा को कंपेयर, कंबाइन और एनालाइज करने के लिए अलग अलग समरी को देख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कंसोलिडेट विकल्प का उपयोग क्यों करते हैं? कंसोलिडेट विकल्प की मदद से आप डिफरेंट सीट से डेटा का उपयोग करके उसे सम, एवरेज, काउंट इत्यादि ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। सॉल्वर विकल्प का उपयोग क्यों करते हैं? सॉल्वर विकल्प के उपयोग से आप रो अथवा कॉलम की रेंज से टारगेट वैल्यू को सेट कर सकते हैं। आईपीएमटी के लिए सिंटैक्स क्या होता है? आईपीएमटी के लिए सिंटैक्स होता है इक्वल टू आईपीएमटी रेट सेमीकोलम पीरियड सेमीकोलम नंबर पीरियड सेमीकोलम प्रेजेंट वैल्यू सेमीकोलम फ्यूचर वैल्यू सेमीकोलम टाइप और ब्रैकेट क्लोज। क्या आप बता सकते हैं एनपीवी फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। इस फॉर्मूला की मदद से आप अपने इन्वेस्टमेंट के फाइनल रिटर्न की वैल्यू को जान सकते हैं जो कि इंटरेस्ट रेट के अनुसार आती है। एनपीवी के लिए सिंटैक्स होता है इक्वल टू एनपीवी डिस्काउंट रेट सेमीकोलम पेमेंट वन सेमीकोलम पेमेंट टू ब्रैकेट क्लोज। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें, स्प्रेडशीट की फाइल को ओपन करें। अब सबसे पहले आप सभी फॉर्मूलों का अभ्यास करेंगे। 45,000 लोन का इंटरेस्ट रेट 5% है और उसे 5 साल तक का समय है। किसी भी फॉर्मूला के उपयोग से मंथली पेमेंट को निकालकर बताएं। आइए वीडियो की मदद से पीएमटी फॉर्मूला का उपयोग करना सीखते हैं। पीएमटी फॉर्मूला की मदद से आप मंथली इंस्टॉलमेंट को निकाल सकते हैं। जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे लोन अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए लोन अमाउंट कुछ दिया हुआ है। हमने यहाँ पे लोन अमाउंट टाइप किया, फॉर्मेट सेल में गए, करेंसी पे गए और हमने यहाँ पे इंडियन करेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट में जाएंगे, ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कंट्री की करेंसी है, हमें इंडियन करेंसी चाहिए तो हमें INR हमने ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब जितना भी आपको लोन अमाउंट है वो लोन अमाउंट यहाँ पे टाइप करेंगे। हमने 45 लाख यहाँ पे टाइप किया, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर नंबर कम करना है तो आप नंबर कम भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 45,000 किया, ये हमारा लोन अमाउंट है। कितने इंटरेस्ट रेट पे वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, 5% हमने यहाँ पे टाइप किया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर कितने ईयर के लिए, तो हम यहाँ पे ईयर टाइप करेंगे, 5 ईयर। अब हम इसका मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है तो इसके लिए हम पीएमटी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। जैसा आप जानते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हम पीएमटी फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। हमने एक सेल के अंदर यहाँ पे लिखा मंथली पेमेंट, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं।
माने जी हमें 2 मंथ्स के लिए निकालना है, तो हमने यहाँ पे 2 मंथ्स पेमेंट यहाँ पे टाइप किया, लेकिन जब आप पीएमटी फॉर्मूला को उपयोग करेंगे तो वो 1 मंथ के लिए निकलेगा। हमने यहाँ पे इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट को स्टार्ट रेट जो रेट है उसको हमने सेलेक्ट किया, उसको 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करने के बाद सेमी कॉलम ईयर 5 उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेमी कॉलम की जो पीवी वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू हम उसे सेलेक्ट करेंगे, हमने उसको सेलेक्ट किया। फिर टाइप में 1 टाइप किया हमने यहाँ पे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट आ गया जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब हमें 2 मंथ्स के लिए निकालना है, इसके लिए जो ये वैल्यू है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल हम इसके लिए मल्टीप्लाई फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, इक्वल टू जो वैल्यू है मंथली इंस्टॉलमेंट उसको सेलेक्ट किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप IMT फॉर्मूला का उपयोग करके मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से नेट प्रेजेंट वैल्यू को मिनिमम 5 ईयर्स तक निकाल कर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं NPV फॉर्मूला का उपयोग कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 अमाउंट अलग अलग दिया हुआ है और आपके पास कुछ इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, तो आप उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप NPV फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे अमाउंट 1 और अमाउंट 2 है, 2 अमाउंट दिया हुआ है। अब हमें NPV फॉर्मूले की मदद से 5% रेट के अनुसार हमें इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम NPV फॉर्मूला टाइप करेंगे सबसे पहले, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इक्वल टू NPV ब्रैकेट को स्टार्ट किया, जो रेट है रेट को सिलेक्ट किया, उसको 12 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे सेमी कॉलम लगाया, यहाँ पे वैल्यू 1 जो अमाउंट हमारा 1 है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, सेमी कॉलम और अमाउंट 2 को फिर सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन को हम यहाँ पे हिट करेंगे। एक बार एंटर बटन को हिट करने पे जो इसकी नेट वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे इसकी नेट वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से आप NPV फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 प्रोडक्ट है जिसका टारगेट है 15,000 पर ईयर, जिसमें कि प्रोडक्ट ए 1500 है, प्रोडक्ट बी 24 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सी को कितना देना होगा जिसके ऐड करते ही 15,000 हो जाए, और कौन से विकल्प के उपयोग से करेंगे। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं। गोल सीट का उपयोग कैसे करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, और उसकी कुछ वैल्यू है जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ए टाइप किया, फिर प्रोडक्ट बी, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट सी। यहाँ पे हमें 2 की वैल्यू पता है, प्रोडक्ट ए की वैल्यू जो है, प्रोडक्ट ए की वैल्यू 1500 है, प्रोडक्ट बी की वैल्यू 2400 है, हमें प्रोडक्ट सी की वैल्यू नहीं पता, बट हमें जो ग्रैंड टोटल पता है वो 15,000 है। जो टारगेट वैल्यू हमारा है, जो टोटल वैल्यू है वो 15,000 वैल्यू है। अब हमें जो प्रोडक्ट सी है हमें उसकी वैल्यू निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी आए जिससे जो हमारा जो टारगेट वैल्यू है 15,000 उसके इक्वल आ जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। सम फॉर्मूला की मदद से जो ये प्रोडक्ट ए बी सी है इन तीनों को हम पहले सम कर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जो हम तीनों को सम करें यहाँ पे 3900 इन तीनों का टोटल सम आ गया, ये भी दोनों का सम है, लेकिन हमें थर्ड प्रोडक्ट जो सी है उसका हमें टोटल निकालना है कि कितना टोटल आया जिससे
जो टारगेट वैल्यू है 15,000 वो उसके इक्वल आ जाए। तो इसके लिए हम गोल सिक का उपयोग करेंगे। तो जो भी हमारा टोटल आया पहले हम उसको सेल उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, टूल्स पे जाएंगे, गोल सिक पे जाएंगे, जो फॉर्मूला सेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने पहले टोटल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है, जो टारगेट वैल्यू है जितना वैल्यू हमें चाहिए उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे, हमें 15,000 चाहिए, हमने उसको सिलेक्ट किया। वेरिएबल सेल जिसके अंदर हमें वैल्यू चाहिए उस सेल को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नहीं कुछ प्रॉब्लम आए, यहाँ पे गोसिक ने अभी भी काम नहीं किया, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एरर आ गया है। दोबारा से हम ट्राई करते हैं, फिर से हमने उस सेल को सिलेक्ट किया, उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद फिर टूल्स पे जाएंगे, गोल सिक पे क्लिक करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला सेल है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो 9,3900 है उसको हमने सिलेक्ट किया, जो टारगेट वैल्यू हमने टारगेट वैल्यू 15,000 टाइप किया, फिर जो वेरिएबल सेल है उसको हमने सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया। अभी आप देख सकते हैं अब गोल सिक सक्सेसफुली काम कर रहा है, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो प्रोडक्ट सी है वो 11,000 जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से जो टोटल वैल्यू 15,000 है उन तीनों का टोटल वैल्यू 15,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप गोल सीट का उपयोग कर सकते हैं। अब अपने सीट के लिए सिनेरियो को बनाकर दिखाएं और उसे अपने नाम से लिखें। अब आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं। आइए वीडियो को देखकर सिनेरियो का उपयोग करना सीखते हैं, सिनेरियो विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने एक डेटा को कॉपी किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने इसे कॉपी करके दूसरे शीट पे पेस्ट कर दिया, शीट टू को हमने सिलेक्ट किया और दूसरे शीट पे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी हमारे पास यहाँ पे डेटा है, अभी हम इस पे सिनेरियो लगाना चाहते हैं, इसके लिए हमें इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को टूल्स मेन्यू पे लेके जाएंगे, वहां पे सिनेरियो का ऑप्शन है और उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे सिनेरियो का नाम है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे टाइप करें, हमने CS3 नाम टाइप किया और फिर ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे जो सिनेरियो है वो यहाँ पे लग जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो नाम भी दिखाई देगा। आप इस पे चाहें तो एक से ज्यादा सिनेरियो लगा सकते हैं और जो भी वैल्यू को आप ऐड करेंगे उन सभी वैल्यू को देख सकते हैं और जो भी पुराने वैल्यू है आप उन पुराने वैल्यू को भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सिनेरियो का उपयोग कर सकते हैं। अब आप अगले सीट पर जाएं, वहां पर डेटा को क्रिएट करें, एक सेल में वीकडे और अर्निंग एक्सपेंस टाइप करें। अब आप यहाँ पर ऑफसेट फॉर्मूला का उपयोग करके फिफ्थ नंबर रो के वैल्यू को निकाल कर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सीखें। आइए वीडियो की मदद से ऑफसेट फॉर्मूला का उपयोग करना सीखते हैं। हमारे पास यहाँ पर डेटा है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं वीकडे है और अर्निंग एक्सपेंसिव है, हर दिन के हिसाब से इसका कुछ खर्च है। यहाँ पे जैसा आपको बताया गया था जो रोथ इस सेल के अंदर जो वीकडे है, जो थर्सडे है, थर्सडे का हमें जो एक्सपेंसिव है उसे हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमें कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थर्सडे है वो फिफ्थ नंबर पे है, लेकिन जब आप ऑफसेट फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, अगर आपको रो काउंट करनी है तो जीरो से काउंट करेंगे, अगर कॉलम को भी काउंट करना है तो जीरो से काउंट करेंगे, क्योंकि हमें फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है उसको हमें निकालना है, फिफ्थ नंबर पे जो दिया हुआ है उसे निकालना है। तो इसके लिए हम इक्वल टू ऑफसेट ब्रैकेट को स्टार्ट, जो रेफरेंस पहला है किसके अंदर से हमें निकालना है, वीकडे के अंदर से निकालना है, फिफ्थ नंबर का वैल्यू निकालना है। तो हमें पे जो वीक डे है उसको हमने टाइप किया, फिर हमने यहाँ पे सेमी कॉलम फोर टाइप किया। फोर हमने इसीलिए टाइप किया क्योंकि जो थर्सडे आ रहा है वो फिफ्थ नंबर पे, जीरो से जब काउंट करेंगे तो वो फोर्थ नंबर पे आएगा। फिर जो अर्निंग एक्सपेंसिव है
हमें उस अर्निंग एक्सपेंसिव वैल्यू निकालना है। तो जो पहला वाला कॉलम हो गया वो जीरो, सेकेंड वाला कॉलम ये वन। तो यहाँ पे हमने वन टाइप किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन को हिट कर दिया। जैसे हमने इसको प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे 650 आ गया। अगर आपको वैल्यू चेंज करने, मान लीजिए संडे का निकालना है, तो आप संडे को काउंट करेंगे कितने नंबर आ रहा है, जीरो पे, जीरो से काउंट करेंगे। फिर फॉर्मूला एड्रेस बार में जाके, जो फॉर्मूला बार है वहां पे जाके हम इसको चेंज करेंगे, सेवन है, हमने वहां पे सेवन टाइप किया, एंटर बटन को हिट किया। जैसे हमने एंटर बटन को हिट किया तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे 600 यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से आप ऑफसेट फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक एक रेफरेंस के वैल्यू को निकाल कर दिखाएं और अभ्यास करें। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं एड्रेस फॉर्मूला का उपयोग कैसे करते हैं। जिस सेल का भी आपको एड्रेस फाइंड करना है उसके लिए हम एड्रेस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर एड्रेस जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, फिर हम रो फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे रो जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, जिस सेल को भी मैं एड्रेस फाइंड करना उस सेल को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलम, फिर से कॉलम, कॉलम, उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, उसको हम सिलेक्ट करेंगे जो भी हमारा सेल है, उसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलम। फिर यहाँ पे ए बी सी जो सीट है यहाँ पे आप कोई टाइप देंगे, यहाँ पर हमने एक नंबर दिया चार, फिर ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर बटन को हिट करेंगे। जैसे एंटर बटन को हिट करेंगे तो उस सेल का जो एड्रेस है यहाँ पे वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पे D10 लिखा हुआ है, तो D10 उस सेल का एड्रेस है, D कॉलम नंबर और 10 रो नंबर, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप एड्रेस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अब आप सभी फाइल को सेव करें और आप सभी कंप्यूटर को शट डाउन करें। आगे के दो क्लास जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगले क्लास में पूरे इस भाग के इम्पोर्टेंट ऑप्शन और फॉर्मूलों का अभ्यास करेंगे। फिर उसके अगले क्लास में आपका इस भाग का प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि आगे के दो क्लासों में उपस्थित रहें। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, अगर आप प्रैक्टिकल क्लास को अटेंड नहीं करेंगे तो आप इस भाग को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप सभी प्रेजेंट रहें। धन्यवाद कि आप सभी इस वीडियो को देखकर स्प्रेडशीट के बहुत से इम्पोर्टेंट भागों के बारे में सीखा।